सभी का स्वागत ऑनलाइन कक्षा में। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के 26वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। इससे पहले आपने 25वें श्लोक में ये पढ़ा था कि राजा दुष्यंत कहता है कि मैं क्या है शकुंतला के पीछे जाने की इच्छा कर रहा था और मेरा मन जो है वो क्या है ऐसा लगता है मैं कामी जन था और मेरा मन क्या है जा करके उसके पास से लौट आया। तब प्रेमवदा जो है शकुंतला को कहती है, शकुंतला जाने की चेष्टा करती है तो प्रेमवदा उसको कहती है कि तुम्हारा ऋण जो है वो मुझ पर है, तुम्हें क्या है वृक्षों को सिंचन करने के बाद ही जाना चाहिए। राजा दुष्यंत कहता है वास्तव में वृक्षों का सिंचन करते हुए शकुंतला क्या है बहुत अधिक थकी हुई है। उसी का ही बड़ा सुंदर वर्णन यहाँ पर करता है राजा। देखिए क्या कहता है, त्रस्तांसाव अति मात्र लोहित तलो बाहु घटोत क्षेपणात् अद्यापि स्तन वेपुथम जनयति श्वासा प्रमाणाधिकः स्त्रंस्तः कर्ण शिरिशरोधी वदने धर्मांबसा जालकम बंधे स्त्रंसिनी च एक हस्त तयमिता पर्याकुला मूर्धजा। क्या कहता है राजा देखिएगा कि घटो क्षेपणात् घड़े को उठाने के कारण से स्त्रंसा अति मात्र लोहित तलो इसके कंधे क्या है स्त्रंस मतलब होता है झुका हुआ, अंश मतलब होता है कंधे, तो इसके जो कंधे हैं वो कैसे हैं झुके हुए हैं। घड़े को उठाने के कारण से इसकी बाहें जो हैं बाहें झुके हुए कंधों वाली है, अति मात्र लोहित तलो और इसकी जो बाहें हैं वो अत्यधिक लाल रंग की तल वाली है, यानी कि इसके जो हथेलियां हैं वो कैसी हो रही हैं बहुत अधिक लाल हो रही हैं। घटोत्क्षेपणा घड़े को उठाने के कारण से इस शकुंतला की बाहें जो हैं वो क्या है स्त्रंस मतलब झुके हुए, अंश मतलब कंधे झुके हुए कंधों वाला है और इसकी हथेलियां जो हैं वो कैसी हैं अति मात्र लोहित तल, हथेलियों की जो हथेलियां हैं वो कैसी हैं अत्यधिक लाल हो रही हैं। अद्यापि स्तन वेपुथम जनयति श्वासा प्रमाणाधिकम और अभी भी अद्यापि मतलब अब भी श्वासा जो श्वास है इसके वो प्रमाण से अधिक, यानी कि व्यक्ति जब नॉर्मल सांस लेता है तो उससे प्रमाण से भी अधिक जो इसके श्वास जो निकल रहे हैं वो कैसे हैं स्तन वेपुथम जनयति इसके स्तनों में कंपन को उत्पन्न कर रहे हैं। प्रमाणाधिकम श्वासा प्रमाण से अधिक श्वास लेने पर आपने कभी देखा होगा जब व्यक्ति थकता है या अत्यधिक परिश्रम करता है तो उसके श्वास क्या है तेज चलते हैं, तो प्रमाण से अधिक श्वास लेने के कारण अद्यापि अभी भी क्या है इसके स्तनों में कंपन को उत्पन्न कर रही हैं। श्वास क्या है अभी भी क्या है इसके स्तनों में कंपन को उत्पन्न कर रही है और श्वास कैसे है प्रमाण से अधिक जितना नॉर्मल लेता है उससे भी अधिक श्वास ये ले रही है। स्त्रंस्तः कर्ण शिरीष रोधी वदने धर्मांबसा जालकम और कर्ण शिरीष रोधी कानों में इसने क्या है शिरीष के पुष्पों को धारण किया हुआ है और वो क्या है वदने धर्मांबसा जालकम वो क्या है जो मुख पर पसीने का जो समूह है वो क्या है कानों में पहने हुए शिरीष के पुष्पों को क्या है रोक रहा है और ऐसा जो पसीने का जो समूह है वो क्या है मुख पर क्या है बह रहा है, तो कानों में जो शिरीष के पुष्प हैं उसको रोकने वाला ऐसा पसीने का जो समूह है वो उसके मुख पर क्या है बह रहा है। कहने का मतलब ये है कि उस शकुंतला ने कानों में क्या है शिरीष के पुष्पों का आभूषण धारण किया हुआ है और जब मुख पर पसीना आता है तो वो जो कानों के जो फूल के जो उसने पहने हुए आभूषण वो क्या है हिलने से रुक जाते हैं और मुख पर क्या है वो पसीने का जो बूंदे हैं वो क्या है निरंतर स्त्रंसता मतलब बह रही है। बंधे स्त्रंसिनी च एक हस्तयमिता पर्याकुला मूर्धजा, बंधे मतलब जो केश पाश हैं जो बंधे हुए हैं उनके खुल जाने पर और पर्याकुला मूर्धजा मूर्धजा मतलब मुख पर फैले हुए उनको क्या है एक हस्तयमिता एक हाथ से जिसने क्या है अच्छी प्रकार से पकड़ा हुआ है। बंधे स्त्रंसिनी जो उसने केशों का जो समूह है उसके खुल जाने पर पर्याकुला फैले हुए मुख पर जो
केश हैं उनको क्या है, एक हस्तयमिता उसने अपने एक हाथ से पकड़ा हुआ है। बड़ा ही सुंदर इसमें चित्रण किया गया है कि जब वो नायिका शकुंतला घड़े को उठाती है तो घड़े को उठाने से क्या है, उसके दोनों जो कंधे हैं वो क्या है, झुके हुए कंधे होते हैं, और उसकी जो हथेलियां होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, लाल हो जाती हैं। और जब वो अत्यधिक घड़े से जल उठा रही है तो उसके श्वास क्या है, बहुत तेजी से चल रहे हैं। तेजी से चलने के कारण क्या है, उसके स्तनों में जो है वो कंपन भी दिखाई दे रहा है, और कानों में उसने शीरीष के पुष्पों को धारण किया हुआ है। पर जब उसके मुख पर पसीने का जो समूह आता है उसके बहने से, उसके मुख पर क्या है वो निरंतर बह रहा है, तो वो कानों में पहले पहने हुए शीरीष के पुष्प जो है जो हिलते हैं उसको क्या है वो रोक रहे हैं। इसी तरह से बंधे हुए केशों के जब खुल जाते हैं तो वो क्या करती है, अपने एक हाथ से उसको क्या है, फैले हुए बालों को एक हाथ से पकड़ करके उसको नियंत्रित करती है। इतना सुंदर चित्रण उसका किया है कि शकुंतला क्या है, थकान से थकी हुई है, और वो क्या है इस प्रकार की दिखाई दे रही है। राजा दुष्यंत उसका वर्णन करता है, बड़ा ही सुंदर और मार्मिक चित्रण है। धन्यवाद।